खबर शामिल करते हैं टंडुलियात से, जहां महकमा तालीम में मेरिट का कत्ल, PST टेस्ट पास करने वाली दर्जनों हवा की बेटियां सड़कों पर निकल आईं। महकमा तालीम में सियासी बुनियादों पर मनपसंद अफराद को ऑफर आर्डर जारी किए जा रहे हैं और जिनको ऑफर लेटर जारी किए गए इनसे ज़्यादा हमारे नंबर हैं, लेकिन हमारी सियासी सिफारिश ना होने के बावजूद हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हवा की बेटियों का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर समेत MNA और MPA पर मनपसंद अफराद की ऑफर आर्डर जारी करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है। PST टेस्ट पास करने वाली दर्जनों हवा की बेटियों ने अपने हकूक के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमा तालीम में PST टीचर की भर्ती के लिए IB सखर के तहत उम्मीदवारों से टेस्ट लिए गए, लेकिन महकमा तालीम के अफसरान ने सियासी मुदाखलत के सबब सियासी सिफारिश पर ऑफर आर्डर जारी किए हैं। इन ख्याल का इजहार PST टेस्ट पास करने वाले दर्जन हवा की बेटियों ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दफ्तर के सामने धरना देते हुए कहा और मीडिया से बात करते हुए कहा कि टंडोलियार समेत सिंध के अंदर मौजूद मुख्तलिफ सियासी पार्टियों जिनमें टंडोलियार की आवाम के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है और अपने मनपसंद लोगों को सीटें दी जा रही हैं। हमने इन लोगों से ज़्यादा नंबरों पर टेस्ट पास किया है, लेकिन फिर भी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि MNA MPAs भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और नौकरियां दे रहे हैं, जबकि मेरिट का निज़ाम तबाह किया जा रहा है और मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द ऑफर लेटर जारी किए जाएं। मेरा नाम राहत उरूज है और मैं पास कैंडिडेट हूँ और मैं फर्स्ट लिस्ट से ही पास हूँ। जब कट ऑफ वैल्यू नहीं आई थी और ना ही रिकमेंडेशन लिस्ट लगी थी और ना इन्होंने क्या कहते हैं 45% वाला क्राइटेरिया ख़त्म किया था, मैं उसी लिस्ट से फर्स्ट लिस्ट से हूँ। लेकिन जैसे ही फर्स्ट लिस्ट में 45% वाला क्राइटेरिया ख़त्म किया गया तो उसके बाद बहुत सारे लोग शामिल होते गए, बहुत सारे कैंडिडेट शामिल होते गए और उसकी वजह से हम लोग जो पास थे फर्स्ट से ही, वो लोग और नीचे आते चले गए। लेकिन फिर यही कहा गया कि पास कैंडिडेट बहुत कम हैं और सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो बाद में ये हुआ कि अब पता चला अचानक से, जैसे ही लिस्ट लगने वाली थी बहुत ज़्यादा वेटिंग के बाद जब लिस्ट लगने वाली थी तो पता लगा कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो सीट्स हैं वो बहुत कम हो गई हैं। अब पता लगा कि भाई ऐसा क्यों, तो पता चला कि UC वाइज हो रही हैं और UC में जब सीट ही नहीं है तो आपको कहीं और नहीं भेजा जाएगा। तो पास ही नहीं करते जब सीट ही नहीं थी, तो उस टाइम पे पास ही क्यों किया? कट ऑफ वैल्यू पहले कम की गई, हम जो 45% वाले थे हमसे ऊपर दूसरे बंदे आ गए क्योंकि वो 45% में नहीं थे लेकिन हमसे ज़्यादा मार्क्स वाले थे। तो अब हमारा यही मुतालबा है कि आप दूसरी UC में एडजस्ट कर दें। आपके ना अभी हमारे EDO साहब से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम लोगों ने UC वाइज किया, हमारे हाथ में नहीं है कि हम लोग कर सकें। तो सर आपके हाथ में है क्या? लिस्ट तो आप लोगों ने ही ऊपर भेजी होगी ना कि हमारे पास कितनी सीट्स वैकेंट हैं, ऊपर तो आप लोगों की तरफ से गए होंगे। जब आप लोगों ने यहाँ से कम भेजी हैं तो वो लोग भी तो कम ही रिकमेंड करेंगे ना, तो गलती तो आप लोगों से शुरू हुई है। तो इनको सीट्स को रीचेक करें, जो हम वेटिंग में हैं हमें सीट दी जाए, हम लोगों को सबको जो है वेटिंग से निकाल के दिया जाए। और ये कह रहे हैं कि JST वाले, अब JST की सीट जब अनाउंस हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि JST के भी पास कैंडिडेट बहुत कम है और सीट्स बहुत ज़्यादा है, सबको ही मिल जाएंगे। अब मुझे पता है कि जैसे JST का प्रोसेस शुरू होगा तो JST में भी यही होगा कि भाई बंदे क्या कहते हैं ज़्यादा होगा और सीट्स कम हो गई। तो अब PST वाले वो बेचारे क्या करें, वो वापस वेटिंग में ही रह जाएं। तो बराए मेहरबानी सीट्स को दोबारा चेक करें, हम सब जितने भी वेटिंग में हम सबको वेटिंग से निकाल के सीट्स दें। और ये कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है तो मीरपुर में सबको रिकमेंड किया गया है, और अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट का वो हैदराबाद या फिर कराची से कंपैरिजन दे रहे हैं तो ज़रा इनको अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटा है। और पर आज DO ऑफिस में इसलिए आए हैं, अपने हक के लिए एहतजाज करने के लिए आए हैं, हालांकि सेरेमनी ऑन है पर हमने क्वालिफाइड होने का एक मुजाहरा किया है और पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं। और हमारे सेक्रेटरी अकबर लगारी साहब से ये मुतालबा है कि टंडोलियार की खवातीन पर नज़रसानी करें, बराए मेहरबानी हमें एडजस्ट करें, वेटिंग लिस्ट से निकाल कर रेकमेंड करें, जो इतनी कम है रेकमेंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि बराए मेहरबानी हमारा यही मुतालबा है कि मेल के जो बची हुई सीट्स हैं वहाँ पर एडजस्ट किया जाए और बंद स्कूलों को खोला जाए ताकि ख़वातीन के अंदर से ये बेचैनी ख़त्म हो जाए कि हम आया के इस सीट्स के हकदार हैं भी या नहीं। 10 महीने हो गए हमें टेस्ट दिए हुए, अब तक हम लोगों को यही नहीं पता कि हम लोग इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं। इसी वजह से हम लोग इतनी मौसम की भी परवाह किए बगैर शदीद गर्मी में 4 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए आते हैं। जब भी हम लोग DO ऑफिस भी आते हैं तब भी हम लोगों को यूँ कह दिया जाता है कि अगले हफ्ते आ रही है पर इस बात को मेक श्योर नहीं कराया जाता। इसी वजह से हम लोग आज सेरेमनी में सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए, ना बगैर इंटरप्ट किए।
क्वालिफाइड होने का यही मुतालबा बहुत होता है, वरना हम बहुत कुछ कर सकते थे। हमने कल भी प्रोटेस्ट किया है प्रेस क्लब पर जाकर, उसकी तादाद आज की तादाद से कम है, क्योंकि सिर्फ हम लोग एक बात करने आए थे कि हमारे मुतालबात पूरे करें, हमें मेक श्योर कराएं कि कब होगा, मरहला वार होगा या सेकंड मरहला, थर्ड मरहला, जो भी है उसके प्रोसेस को स्पीड अप करें। जीएसटी के बाद, पीएसटी के बाद आप लोग ये भी कह रहे हैं, तो हमारा अकबर लगारी साहब से भी यही मुतालबा है और टंडोलियार के डीओ साहब से भी हमारा यही मुतालबा है कि तमाम खवातीन के अंदर से ये बेचैनी ख़त्म करें कि वो पास कर कर आएँ। हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है कि हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। सर हमारा यही होगा कि हम लोग प्रोटेस्ट का दायरा कार वसी करेंगे और अलामती भूख हड़ताल करें। देखिए मुतमईन होना तो 2013 वालों के साथ भी होता है, और बात देखिए मुतमईन तो हर कोई करा रहा होता है, पर आप इस बात से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सेटिस्फेक्शन आपको तभी होती है जब आपके हाथ में एक अथेंटिक चीज़ आती है, ठीक है ना। आपके पास कोई एक फिज़िकल चीज़ आएगी तो ही आप मुतमईन होंगे कि आपके बाद ये बात हो गई है कि मुझे इस बात की गारंटी है, श्योरिटी है। इस तरीके से आप लोग कोई भी चीज़ प्रूफ लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, हम सिर्फ उनकी बातों से सेटिस्फाई हो गए, इसलिए जा रहे हैं कि देखिए पीछे सेरेमनी चल रही है, कल को अगर कुछ होगा तो बात ये होगी कि सेरेमनी ख़राब करने आए, सेरेमनी इंटरप्ट कराएं। हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है, क्योंकि हमें भी सिस्टम का हिस्सा ही बनना है। हुकूमत ने पहले 55 हुकूमत ने पहले ये पॉलिसी अनाउंस की थी कि 45 ईच सब्जेक्ट और 55 गर्ल्स को। फिर उन्होंने कट ऑफ डेट का एक सिलसिला दिया था क्योंकि पासिंग रेशो कम था। जब कट ऑफ डेट का आया तो 50 पे जितनी भी गर्ल्स थी वो सब अप हो गई क्योंकि पासिंग रेशो कम था। तो हम लोगों के यहाँ टंडोलियार में ये हम लोग सब 50 से अबव हैं, 50 वाले 57 से लास्ट पे हमारी जा रही 57-58 के, वरना 60 तक को दिए, 60 के दो भी बचे हुए क्योंकि सीट्स ना होने की वजह से वो भी। पर वो कह रहे हैं कि यूसी वाइज हुआ है कि उनकी यूसी में जो था भाई, वो जैसे फॉर एग्जांपल वो ढिंगानो बोझदार की है, वहाँ पे जगह नहीं है तो यूसी की वजह से एडजस्ट कर दिया है। डोमिसाइल का इशू है, शादी करके कहीं से आई है, तो ये वाला उन्होंने इशू बताया है। पर हमारा ये वाकई हमने वेरिफिकेशन के पैसे लिए थे, क्योंकि सिर्फ टंडोलियार एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने वेरिफिकेशन प्री प्रोसेस में करवा लिए, वरना ये हमेशा होती है ज्वाइनिंग के बाद। जी ठीक है, उन्हीं को तो रिकमेंड किया है, तो क्यों रिकमेंड करें ये इस तरीके से जब यहाँ टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें झुंडूबरी के अंदर 52 वाले को भी इन्होंने ऑर्डर दिया है, ठीक है। अगर ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो फिर पहले हमें रिकमेंड करते हैं ना, हम रिकमेंडेड होने चाहते कि 57 वाले पहले आते उसके बाद 52 वाले आते। हम तो ये भी नहीं कह रहे आप जिनको सीट्स दे रहे हैं आप दें, लेकिन आप हमें भी तो देना, जो मेल की सीट्स बाकी रहती हैं आप हमें उस पर एडजस्ट करें। हम तो कोई झगड़े की बात कर ही नहीं रहे, आपके पास जो सीट्स अवेलेबल है दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह, सर हमें ग्रेस मार्क्स देके अप कर दें, हम पास नहीं है। हम तो ऑलरेडी पास है, मेरिट पे पास कर रहे हैं, आईबीए का टेस्ट देकर आए। आपको पता है उस टेस्ट में कितनी बात थी, वो टेस्ट भी कितना डिफिकल्ट था, उस टेस्ट को पास कर हम लोग आए। ऑफर लेटर की सेरेमनी आज यहाँ पर हुई है, आखिरी है, ठीक है, ये आज आखिरी सेरेमनी है, तो हम लोग इसीलिए तो यहाँ पर रिकॉर्ड करवाने के लिए आए अपना एहतजाज कि हमें भी वेटिंग से निकाल कर हमें भी पॉइंट नजर आया। अभी मेरी बात है, नजर आया कि हमें कोई जॉब मिल सकती है, तो सर अब हम आकर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी कितना स्मॉल रेशो उठाया गया हद से ज्यादा, उससे मेन बात सबसे ये, चले हम ये बात समझ रहे हैं कि आप पीएससी के बाद जेएससी के प्रोसेस को अभी कंप्लीट आउट करेंगे, वहाँ से जो विड्रॉ होंगी फिर आप पीएससी को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन अगर हमारी टंडोलियार सिटी में इतना स्लो प्रोसेस चलेगा तो देखें जो आप आकर इस पोजीशन पे आए कि जिन्हें ये लगा कि हाँ भाई हमने इतने अरसे मेहनत की, पॉइंट्स के धक्के खाए, धूप के अंदर सफ़र किया है, आकर ट्यूशन पढ़ाते थे फिर वहाँ से अपनी फीसें पे करते थे, तो हमें अब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर वो इतना डिले प्रोसेस हमारा चलेगा तो हमें प्रॉब्लम तो होगी ना, कि पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है अगर, 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 अगर आप ये बात करें, तो कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। आप 130 तो अभी आप इस कराची में जाएं तो वहाँ जो है 1800 से ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो वेटिंग में, नॉन अवेलेबल सीट। हम आपको ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जो है वेट करें जेएससी का, हम आपको 15% रेशो जेस पर जो डायरेक्शन हैं इस पर पॉलिसी हम दे रहे हैं, उसके बाद जो बचेंगे हम आपको पीएससी की जेएससी को रिकमेंडेड करेंगे। हम टीचर हैं, हम क्वालिफाइड टीचर है, अगर हम जहालत शो करेंगे तो हम तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई हम टीचर्स की जॉब के अहल नहीं है। कल आपने हमारा प्रोटेस्ट शायद आपकी नज़रों से गुजरा होगा, इससे ज़्यादा तादाद थी, आज हमारा मकसद ये था सेरेमनी को इंटरप्ट करना नहीं था, वरना हम कर सकते थे। तो